Hello everyone, welcome to Academically. Today we are utterly delighted as the CAPS results for July 2024 are out and our students have done marvelously. So today we have with us is Azharuddin, our successful student who has cleared the CAPS exam 2024. So hello Azharuddin and thanks for joining us today. Much congratulations on your success. And without wasting much of the time, I'll start asking you the question. I'll start chit-chatting with you. So at first, please tell us a little bit about yourself. My name is Azharuddin and my graduation complete. I completed my graduation from Dehradun, Graphic Rahil University. Oh. And this is my first attempt. Okay. Yeah. Okay, so this is your first attempt. You cleared the exam in the first attempt. This is actually very, very inspirational. So tell us a little bit about your journey for this clearing, about the clearing this exam, you know, at the first attempt. Actually, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था एकेडमिकली बस, बट मैं लास्ट ईयर ही पास आउट हूँ, तो उसकी वजह से मेरा वो जो PCI से वो होता है क्या, रजिस्ट्रेशन जो होता है वो नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया. तो इस बार मैंने जुलाई में दिया है और इजी रहा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहा. ओके, सो अज़रुद्दीन, टेल अस हाउ डिड यू कोप अप विद द प्रेशर दैट अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैज अ पर्टिकुलर प्रेशर. सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट, प्रेशर को कैसे झेला आपने, हाउ डिड यू हैंडल? प्रेशर तो कुछ नहीं था एक्चुअली. एकेडमिकली ने इतने अच्छे से समझाया है, खास करके टीना मैम है और एक किरण सिद्दीकी मैम थी और एक मैम और है, वो शायद नाम जहन में नहीं आ रहा है मेरा. मतलब इन तीन चार मैम ने तो मतलब बहुत ही ज्यादा डिफाइन करके समझाया और मेरे को तो मैं ही बोलूंगा कि मुझे रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ी है. मैंने जो क्लास में पढ़ा है वो हाँ मतलब वो ही कर लिया है मैंने. हालांकि मैंने जब एग्जाम था उससे दो तीन दिन पहले रिवीजन किया है, लेकिन मतलब ऐसे नहीं किया कि मतलब डेली में रूटीनली मतलब रिवीजन कर रहा हूँ. इजी था, मतलब कॉन्सेप्ट जो थे इतने क्लियर कर दिए थे मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से, तो अच्छा था, अच्छा रहा मेरे लिए. ओके, अदर देन टेल मी हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट एकेडमिकली? मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे. मैं जब देहरादून में ही था तो उसको मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ से मालूम पड़ा था, लेकिन मुझे उसने बताया था तो मुझे अच्छा लगा. फिर मैंने कहा मैं यही करता हूँ क्योंकि इंडिया में तो वही फार्मेसी के बाद 15-20 हज़ार रुपए. जी जी, तो मैंने जी, कहा बाहर चलते और कुछ अच्छा ही करते हैं अपने लिए. ओके ओके, सो अज़रुद्दीन, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स, आई जस्ट वांट टू नो हाउ डिड एकेडमिकली प्ले इन योर जर्नी ऑफ क्लियरिंग दिस कैप्स एग्जाम. यू नो, अ पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स दे टीच यू, बट हाउ एकेडमिकली इन अदर वेज हेल्प्ड यू आउट? मैं तो ये कहूंगा, देखो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, मैंने सब कुछ एकेडमिकली से ही पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि बीफार्म जब किया था और एकेडमिकली ज्वाइन की थी मैंने, वो मुझे टोटल ही डिफरेंट लगा था कि डोजेस वगैरह या कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसे बीफार्म में पर्टिकुलरली पढ़ाई नहीं जाती है, तो मैंने तो सब कुछ ही एकेडमिकली से सीखा है, तो मैं पास हो गया तो सब कुछ एकेडमिकली हो जाता है. So, well, that's a very big, big, you know, compliment for us. Thank you so very much. Now, another question for you is that how much time did it take for you to prepare for the exam? डेली मैं बताया मैंने आपको, मैंने क्लास के अलावा कभी कुछ नहीं किया. मैं मतलब हार्डली मतलब जैसे क्लास खत्म हो गई उसके बाद मैं एक बार देख ये पढ़ा है मैंने, उसके बाद मैंने नहीं किया, मतलब वही जो क्लास थी वो रूटीनली बस मैंने वही फॉलो की है, अक्टूबर से की है लेकिन. ओके सर, ओके ओके, सो अक्टूबर ऑनवर्ड्स. नाउ अबाउट द क्वेश्चन पेपर, अबाउट द एग्जाम, वर देयर एनी ट्रिकी क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एंड इफ वर देयर, व्हिच आई एम श्योर देयर वर, हाउ डिड यू हैंडल देम? मैं एक चीज थी मैम, जिन्होंने मतलब कई बंदे हैं जो जानते हुए थे मेरे, तो उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड डे दिया था, तो उनका लगभग 80% सिमिलर आया था जो हमने पढ़ा था,
लेकिन मैंने थर्ड डे दिया था तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टी सी हुई, और मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आए थे, लेकिन मैं पास हो गया वो काफी है। वेल इट्स हाँ नॉट बिकॉज यू मैं पास हो गए. या मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैंने जो देखा था कि अगर आगे कोई बंदा जाएगा तो पहला या दूसरा दिन ही फर्स्ट डे सेकंड डे चूज करे, क्योंकि थर्ड डे मतलब या तो बहुत ही ज्यादा इजी है या बहुत ज्यादा टफ हो एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड डे। ओके ओके. सो द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू इज दैट फॉर एज आर इंटरव्यू इज गोना लाइव एंड बी बीन सीन बाय अ लॉट ऑफ एस्पिरेशन एस्पिरेंट्स. सो इट्स अ मेजर टेक अवे दैट योर एग्जाम शुड बी यू वन शुड स्केड्यूल देयर एग्जाम एट फर्स्ट और सेकेंड डेज ऑफ देयर एग्जाम डेट. या ओके. सो वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू अजरबीन, एनी फाइनल वर्ड्स that you would like to say about academically and our team, however you have said enough, but we are fishing for the compliments. मैंने तो पहले ही बोल दिया, मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने तो कैप्स किया है वो सब कुछ एकेडमिकली से ही सीखा है, मैंने कुछ बाहर से नहीं किया है, मैंने सब कुछ एकेडमिकली से सीखा है, तो सब कुछ जो टोटल जो उसका सिलेबस जाता है वो सारा एकेडमिकली हो जाता है उसका सारा। सो और श्रेय. या टीचर वगैरह जो थे सब ही मतलब एक नंबर थे, सबने बेहतरीन पढ़ा है। ओके. सो विद दैट थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द डिटेल्स द मोमेंट्स विद अस, बिकॉज पीपल हु क्रैक द एग्जाम्स दे हैव अ स्टोरीज टू टेल एंड दे आर केपेबल ऑफ इंस्पायरिंग अदर एस्पिरेंट्स विच यू श्योरली आर. एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अजरुद्दीन. इट्स योर बिग डे. आई होप यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट बिग एज वेल. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर. थैंक यू।